फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। वी डिस्क्लेम ऑल लायबिलिटी फॉर एनी लॉस और डैमेज। जय हिंद गाइस, 26 रुपए का यही पेनी स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है, क्योंकि गाइस यहां पर जो कंपनी लिस्ट हुई थी काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी कंपनी की नहीं हुई है। लिस्टिंग की बात करें गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी जो कि अक्टूबर 2023 में हुई थी, अभी 2024 चल रहा है गाइस, तो अभी कंपनी के एक साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है गाइस, और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है यहाँ पर, तो इसीलिए कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो आज जानते हैं कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल क्या है। कंपनी का नाम है सिटी क्रॉप्स एग्रो लिमिटेड, और कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर काम कर रही है, जैसे खाद बीज से लेकर जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उनमें सब में कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही है, फिर चाहे खाद हो चाहे बीज हो या किसी प्रकार का और भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो उसमें कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है, जो कि इसकी डिमांड लगातार बनी रहने वाली है गाइस। वही कंपनी का मार्केट कैप 42.3 करोड़ का है, तो गाइस छोटी कंपनी है, आपको इसमें कम पैसा लगाना चाहिए। हाई लगा था 34.6 का और स्टॉक अभी 18.6 का है, जबकि इंडस्ट्री पे देखेंगे तो इंडस्ट्री पे यहाँ पर है जो कि 35.8 का था, उस हिसाब से स्टॉक अच्छे रेट पर अभी मिल रहा है, और बुक वैल्यू 70.9 का है, तो उससे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, फिर भी अभी अच्छे रेट पर आपको मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर कोई भी पे आउट नहीं करती है, ROC एंड ROE भी कंपनी के यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जबकि वैसे तो कम है, 20 ऊपर होना चाहिए, फिर भी छोटी सी कंपनी है और प्लस में है और अच्छा खासा यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है गाइस, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और 10 रुपये फेस वैल्यू कंपनी है, जो कभी भविष्य में अगर अपने शेयरों को यहाँ पर स्प्लाइड करती है, टुकड़े में बांटती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला। और सेल्स कंपनी 45.2 करोड़ को जनरेट करती है, जो काफ़ी अच्छा है, जिस हिसाब से मार्केट कैप है तो अपने मार्केट कैप के बराबर कंपनी यहाँ पर सेल्स जनरेट कर पा रही है गैस, और डिविडेंड पे आउट नहीं करती है, जो कि छोटी कंपनी है। अर्निंग पर शेयर कंपनी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, जो कि 1.14 पैसे का है गैस, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है कंपनी प्रॉफिट जो कि जनरेट अपना कर पा रही है। वही कंपनी में कर्ज की बात करें गाइस, 0.02 करोड़ कंपनी में कर्ज है, तो काफ़ी कम कर्ज है, और उससे ज़्यादा कंपनी में रिजर्व पड़ा हुआ 12.9 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर होल्डिंग भी 54.7% के है, जो काफ़ी अच्छी है, 50% से अगर ऊपर होल्डिंग है किसी कंपनी में प्रमोटर की, तो उस कंपनी को हम मानते हैं कि वो कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। यहाँ पर प्रमोटर ने कोई गिरवी भी अपने स्टॉकों को नहीं रखा, जो काफ़ी सेल्स ग्रोथ की बात करें गाइस 83.7% का है, जो काफ़ी अच्छा है। वही प्रॉफिट 102% का है, तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं गाइस। वही नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस, देख सकते हैं कंपनी ने 2.828 करोड़ रुपए यहां पर पिछले साल जनरेट किया है, और यहां पर FI और DIs की यहां पर कोई भी होल्डिंग गाइस नहीं है। वही प्रॉफिट लॉस की बात करें गाइस, सेल्स तो आप देख सकते हैं कंपनी सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो पिछले मुकाबले अभी सेल्स काफी अच्छे यहां पर इंक्रीज हो गए गाइस, जिससे कंपनी के यहां पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी नेट प्रॉफिट जो काफी अच्छा है यहां पर इंक्रीज हुआ है। और वही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बात करें गाइस, देख सकते हैं कंपनी का क्या जबरदस्त यहां पर ग्रो हो रहा है। वही बैलेंस शीट की बात करें गाइस, बैलेंस शीट कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं कंपनी में कि जो कर्ज बहुत कम है, जबकि रिजर्व अच्छा खासा पड़ा हुआ कंपनी में। वही प्रमोटर होल्डिंग की बात करें गाइस, प्रमोटर की एक ठीक ठाक होल्डिंग है, जो कि 54.70% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 45.31% की होल्डिंग है, लेकिन गाइस पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 45.31% की होल्डिंग है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं गाइस, देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए 8.53%, 4.71%, 3.79%, तो काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं गाइस, आप देख सकते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग बहुत कम ही बची है, काफ़ी इन्वेस्टर यहाँ पर जो कि इन्वेस्टमेंट भी इस पाइनी स्टॉक में कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इस कंपनी का, आप कंसीडर गाइस कर सकते हैं। गाइस इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए आपको, ये वीडियो लिखो एजुकेशन पर्पज के लिए। धन्यवाद।